लवली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजय भारत में। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई राजद की बैठक में तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद पारिवारिक विवाद छाया रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन तेज प्रताप के तेवर वैसे ही बरकरार रहे और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हार की जिम्मेदारी हम क्यों लें, जिम्मेदारी टिकट बांटने वाले और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं। उसके बाद तेज ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आंदोलन की घोषणा की, जिन्होंने विपक्ष के नेता पद से तेजस्वी के इस्तीफा की मांग का भी विरोध किया। तेज प्रताप ने कहा कि आपसी सहमति के साथ 2020 का विधानसभा चुनाव भी तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उस चुनाव में स्वच्छ और ईमानदार लोगों को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। तेज प्रताप ने तेजस्वी को आसपास के लोगों से सावधान रहने की भी नसीहत दी। कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है, सामाजिक न्याय और गरीबों के हक की लड़ाई जारी रहेगी, इसे हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। खुद को श्री कृष्ण और तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते हुए तेज प्रताप ने एक पत्र लिखा। पत्र की शैली से साफ है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की पराजय को वो अधिक गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, खुद को कहीं से भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं मान रहे हैं। तेज प्रताप का कहना है कि मैंने पार्टी के अंदर आपराधिक प्रकृति के लोगों और परिवार तोड़ने वाले के खिलाफ आवाज उठाई, स्वच्छ छवि के लोगों को उम्मीदवार बनाने की मांग की, मेरी बात नहीं मानी गई, मैंने शिवहर और जहानाबाद सीट की मांग की थी, वो नहीं मिली। तेज ने कहा कि बड़े भाई के नाते उनकी सलाह सुनी जाए, क्योंकि हमने हमेशा गलत तत्वों के खिलाफ आवाज उठाई। तेज ने तेजस्वी को भरोसा दिया कि अगला विधानसभा और उसके आगे की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। पत्र की शुरुआत में उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के संघर्ष को याद किया, कहा कि वो मेरे पिता के साथ उनके राजनीतिक गुरु भी हैं। तो बने रहे हमारे साथ और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ अजय भारत।